नमस्कार किसान भाई, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाई, आज की वीडियो बहुत ही खास वीडियो होने वाली है। हमारे जो किसान भाई धान की फसल कर रहे हैं, तो धान के ऊपर बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है। किसान भाई, आज की वीडियो हम बात करने वाले कि धान की फसल में सबसे ज़्यादा जो रोग लग रहा है इस समय पर, वो है हल्दी रोग। इसका हम रोकथाम किस प्रकार से कर सकते हैं, अपनी फसल से हम किस प्रकार से इसका बचाव कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाई, इस समय पर हमारी जो धान की फसल की बालियाँ आ रही है, तो बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का सवाल है और हमारे बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट है कि धान की फसल में हल्दी रोग क्यों आता है, क्या इसके कारण है और क्या इसका इलाज है। अगर हमारी धान की फसल में हल्दी रोग लग गया तो हम इसको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिए किसान भाइयों। मैं ऐसे कुछ टेक्निकल के बारे में आपको बताऊंगा, ऐसी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो अपनी धान की फसल से जो आपकी धान की फसल में गर्दन तोड़ और दूसरा जो हल्दी रोग की समस्या है, उस समस्या को आप जड़ से किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तक शेयर करें। जो हमारे युवा किसान भाई जो अपना एग्रीकल्चर में करियर बनाने की सोच रहे, तो उन तक हमारी जानकारी पहुँचे और वो अपने धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सके, अपने टाइम को बचा सके। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। किसान भाई, आइएगा हम शुरू करते हैं। सबसे पहला बात, पहली चीज़ हम शेयर करते हैं कि हमारी जो धान की फसल में हल्दी रोग किन कारणों की वजह से फैलता है, क्या इसके मेन रीज़न जिस वजह से ये हमारी धान की फसल में अटैक करता है और ये क्यों करता है और इसके मतलब इस प्रकार इस बीमारी को हम किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। किसान भाई, जैसे कि जो हम बात करते हैं क्या इसके मेन कारण जिस वजह से हमारी धान की फसल में सबसे ज़्यादा अटैक करता है, वो मेन कारण ये होते हैं किसान भाई, जब हवा में नमी होती है। आपने देखा होगा कि समय पर इन्वायरमेंट चेंज हो रहा होता है, मौसम चेंज हो रहा होता है, तो हवा में नमी देखने को मिलती है जिस वजह से हमारी जो धान की फसल में ये बहुत ही ज़्यादा अटैक रहता है। और एक चीज़ और, टेम्परेचर 25 से जो 35 डिग्री का टेम्परेचर इस समय पर होता है, तो उस समय पर ये हमारी धान की फसल में बहुत ही ज़्यादा अटैक करता है। ये दो मेन रीजन किसान भाई होते हैं, जैसे कि जो हवा में नमी होती है तो उसमें उस समय पर ये बहुत ज़्यादा फैलता है और हवा के साथ में ये फैल कर पाउडर के फॉर्म में बन जाता है और दूसरी फसलों पर, यानी कि दूसरी जो बालियाँ होती हैं उन पर बहुत ही आसानी से अटैक कर देता है, जिस वजह से हमारी पूरी की पूरी हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो जाती है और बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की फसल बर्बाद हो चुकी है हल्दी रोग की समस्या की वजह से। एक दूसरा मुख्य कारण और है किसान भाइयों, ये कारण ये कि जैसे कि जो पिछले अवशेष पड़े होते हैं, जिस समय पर हमारी धान की खेत की तैयारी हो रही होती है, उस समय पर हमारे किसान भाई इस जो पिछले अवशेष होते हैं उनको ठीक तरीके से नष्ट नहीं कर पाते, अच्छी तरीके से जुताई नहीं कर पाते, जिस वजह से भी ये हल्दी रोग काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे कीटनाशक होते हैं जो हमारी ज़मीन में पड़े रहते हैं, उसके बाद में हमारी दोबारा से अटैक कर देते हैं। और एक मुख्य कारण और देखा गया किसान भाई, वो है बीज उपचार। क्योंकि मैंने बहुत सारी किसान भाई वीडियो में बताया बीज उपचार करना बहुत ही ज़्यादा अति आवश्यक है। अगर हम बीज उपचार कर दें तो किसान भाई 90% हमारा वहीं पर कंट्रोल हो जाता है, हमारी ये ऐसी कीटों का अटैक 90% वहीं पर कंट्रोल हो जाता है। तो तीसरा ये कारण है किसान भाई बीज उपचार नहीं करते कुछ हमारे किसान भाई, जिस वजह से ये रोग बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। और एक बार जो हमारी धान की फसल में ये अटैक कर देता है तो ये हवा में बरसात में, जैसे बरसात होती है तो उससे जो पाउडर इसका बनता है हल्दी रोग का, वो दूसरी बालियों पे अटैक करता है, जैसे उड़ करके जाता है तो उन पर भी बहुत तेज़ी से अटैक कर जाता है, जिस वजह से हमारे काफ़ी किसान भाई की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसको हम किस प्रकार से रोकथाम कर सकते हैं किसान भाई, तो मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है कि आप अगर आपकी धान की फसल गबोज अवस्था में, तब हम इसका स्प्रे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा कि किस प्रकार से हम स्प्रे करें, कौन से टेक्निक का स्प्रे करें, जिससे हम ये जो समस्या है हल्दी रोग की जड़ से ख़त्म हो जाए। तो किसान भी इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा किसान भी, जो मैं कुछ ऐसे टेक्निकल के बारे में बता रहा हूँ, अगर आप इन टेक्निकल का प्रयोग करते हैं तो जो समस्या आपकी आ रही थी हल्दी रोग की, वो समस्या जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो किसान भी सबसे पहले लेना है आपको फिनोक्सी स्टोर बिन लेना है किसान भी, 7% वाला प्लस उसके साथ में लेना है प्रोपोकोनाजोल जो 12% आता है एससी फॉर्म में, इसको लेना है किसान भी आपको 400 ml लेना है और 200 लीटर पानी में घोल तैयार करना है। किसान भी ध्यान रखना है क्योंकि बालियां निकल आती है तो उस समय पर हमें पानी अधिक आवश्यकता पड़ती है, तो आपको 200 लीटर पानी लेना है और 400 ml लेना है आपको फिनोक्सिस स्ट्रोबिन 7% वाला प्लस प्रोपोकोनाजोल 12% एससी फॉर्म में, इन दोनों को 400 ml को लेना है और उसके साथ में वो 200 लीटर पानी में साफ पानी में घोल तैयार करके आपको इसका स्प्रे कर देना है, जो आपकी जो समस्या है किसान भाई वो जड़ से ख़त्म हो जाए। और मैं कुछ आपको किसान भाई टेक्निकल बताने वाला हूँ। ये किसान भाई दूसरा ये है कि जो टेक्निक मैंने आपको बताई शीत ब्लाइट और गर्दन तोड़ रोग पे भी बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट देखे गए। और दूसरा है किसान भाई साइक्लोलेजमिन 75% लेता है 125 ग्राम आपको लेना है, दूसरा आपको प्रोपोकोनाजोल 25% एससी फॉर्म ये लेना है आपको 250 ग्राम, यानी कि ट्राई साइक्लोजोल लेना है आपको
75% वाला, इसको लेना है 125 ग्राम। और उसके साथ में प्रोपोकोना जोल किसान भाई दूसरा टेक्निकल है वो लेना है आपको 250 ml। इन दोनों में से कोई एक टेक्निकल ले सकते हैं। दूसरा आता है किसान भाई ट्रीफ्लोक्स स्टोरबिन 25% प्लस टोबोकोना जोल 50% वाला। ये जो टेक्निकल मैंने किसान भाई आपको बताएं, जो टोबोकोना जोल और स्टोरबिन फ्लोक्सबिन लेना है आपको किसान भाइयों, इनको आपको लेना है किसान भाइयों। और जो मैंने आपको टेक्निकल बताए इनमें से किसी एक टेक्निकल का प्रयोग करते हैं तो आपके जो धान की फसल में समस्या आ रही थी हल्दी रोग की, वो समस्या किसान भाई जड़ से खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं क्या इसका सही समय पीरियड होता है। किसान भाई पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी हमारे किसान भी गलती करते हैं कि वो इंतजार करते हैं कि उनकी धान की फसल में जब हल्दी रोग आएगा तब वो स्प्रे करेंगे। किसान भाई इसका स्प्रे आप गबोज अवस्था में भी कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी हमारे किसान भाइयों के सवाल है कि हम इसका पहले स्प्रे कर सकते हैं। तो किसान भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि गबोज अवस्था में आप इन जो टेक्निकल मैंने आपको बताए थे इस समय पर आप करेंगे तो आपको 100% इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और उसके बाद में अगर आपको लगता है कि आप उस समय पर नहीं कर पाए किसी कारण की वजह से, तो आप बाली निकलने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी धान की फसल में ये हल्दी रोग लग गया है, तो आप इसका स्प्रे इन किसी एक टेक्निकल का स्प्रे करके अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सके, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही ज़बरदस्त। किसान भाई मैं बहुत ही लंबे समय से इन टेक्निकलों का प्रयोग करता चला आ रहा हूँ। दो स्टेजेस में आप कर सकते हैं, गबोज अवस्था में करें तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और आप गबोज अवस्था में नहीं कर पाए और आपकी धान की फसल में हल्दी रोग लग गया है तो किसान भाई आपको बाले निकलने के बाद आपको इसका स्प्रे कर देना। दूसरी एक चीज़ और है किसान भाई, काफ़ी हमारे किसान भाई कुछ गलतियाँ करते हैं जिस वजह से और ज़्यादा ये अटैक करता है। वो गलती यही करते हैं कि किसान भाई आपको कम से कम एक बार अपने धान की फसल से पानी निकाल करके एक बार अच्छी तरीके से हवा लगा करके सुखा लेना चाहिए, कम से कम एक हफ्ता। उसके बाद में आप जब से बालियाँ तो उस समय पर आपको पानी भरना ही होता है, तो उस समय पर आप पानी भर के रखें। लेकिन आपको ध्यान रहे कि आपको कम से कम एक बार अपने खेत को अच्छी तरीके से सुखा लें, जिससे क्लोरोफिल की मात्रा बनी और बहुत सारे कीट खत्म हो जाते हैं इस वजह से भी। तो आप इस तरीके से जो मैंने आपको कार्य बताए थे इन कार्यों को करते हैं और इस स्प्रे का प्रयोग करते हैं किसान भाइयों, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। और एक चीज़ और है किसान भाई, कि उच्च क्वालिटी का ही बीज का प्रयोग करें, क्योंकि जो प्रमाणित बीज हो उसी बीजों का चयन करें, क्योंकि कुछ हमारे किसान भाई घर के बीजों का चयन करते हैं जिस वजह से ये सारी समस्या बहुत ही अधिक देखने को मिलती हैं। तो आपको इन इन चीज़ों का कार्य करना है, बीज उपचार करना है, उच्च क्वालिटी का आपको धान का बीज लेना, दूसरा जो मैंने आपको टेक्निकल बताया आपको इन में से किसी एक टेक्निकल का लेकर के स्प्रे कर देना, तो आपकी जो समस्या वो जड़ से खत्म।